बातचीत बंद, यही मेन्स। क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर टू, किसी को डाउट? थ्री फोर, ऐसी कुछ सिचुएशन है और हमें कैलकुलेशन करनी है बेसिकली, ठीक है। फ्रीक्वेंसी बेटा हमें दी हुई है, और अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पर जो m है ना, m इसकी वैल्यू अगर लिखोगे तो m इज अ मास ऑफ एटम, और एटम का मास क्या लिखोगे? 108 इंटू 10 की पावर माइनस 3, ये तो हो गया डिवाइडेड बाय n a, दिस विल बी द मास ऑफ अ वन एटम। ये बात पता है, ठीक है। n a से क्यों डिवाइड किया समझ आ गया होगा, मुझे लगता है फ्रीक्वेंसी का वैल्यू भी दिया हुआ है, आई थिंक 10 की पावर 12। सिर्फ हमें k कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। क्लियर है बात? ओके नाइस। क्वेश्चन नंबर 5, ट्रेवल्ड का मतलब 3 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, सेवंथ का क्या आंसर मैच नहीं कर रहा होगा, इसका आंसर शायद 8 आता है अगर सॉल्व किया जाए तो, ठीक है, 8 के आसपास आ रहा होगा। जिन लोगों ने पेन चलाया होगा उनको समझ आ रहा होगा। देखो ये कहानी है कुछ इस तरह की, इसे यहां से स्लाइटली डिस्प्लेस किया एक्स, टाइम पीरियड निकालना है। क्या निकालना है? टाइम पीरियड। तो जब आप स्लाइटली डिस्प्लेस करके रिलीज करेंगे तो इट विल स्टार्ट टू परफॉर्म द SHM, टू एंड फ्रो मोशन करना स्टार्ट कर देगा। और टाइम पीरियड निकालने का सिंपल सा तरीका होता है, स्लाइटली डिस्प्लेस करो और उस पर जो एक्स्ट्रा एडिशनल रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ है उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करो। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अगर मैं आपसे पूछूं इसका वॉल्यूम बताइए तो इसका वॉल्यूम आप क्या लिखेंगे? ए इंटू एक्स into density of water, that will be what? Mass multiplied by g. ये है वो additional पानी जो displace हुआ उसका weight. क्या लग रहा है, समझ आ रहा है? बराबर लिखोगे mass into acceleration. अब mass लिखना है तो mass लिखने का तरीका तो density of water, क्योंकि mass भी पानी का ही है और पानी का I think volume दिया हुआ है, तो rho of water multiplied by v, this is a mass multiplied by what? Acceleration. यहाँ पे तुम्हें साफ साफ दिख रहा है एक्सेलरेशन एक्स के प्रोपोर्शनल आ गया, यहाँ पे रो ऑफ वाटर और रो ऑफ वाटर क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो अगर मैं तुमसे पूछूं ओमेगा की वैल्यू बताओ तो देख के समझ आ रहा है ए जी डिवाइडेड बाय वी का स्क्वायर रूट, ये ओमेगा होगा। सब SI यूनिट में पुट करो, यहाँ पे जितनी भी वैल्यू पुट करनी है सब किस में रखो? SI यूनिट में ही रखो, क्योंकि टाइम पीरियड सेकेंड्स में निकालना है, ठीक है, ओमेगा ही निकालना है। तो ए की वैल्यू, ए रेडियस ऑफ अ बोटल 2.5 दिया है, ए की वैल्यू क्या रखोगे? पाई इंटू 2.5 का स्क्वायर इंटू 10 की पावर माइनस 4। जी की वैल्यू तो 10 पता ही है, वी क्या रखोगे? 310 मिलीलीटर दिया है, 310 मिलीलीटर कितना ग्राम हो गया पानी? ये 310 ग्राम, एक मिनट, ये इसमें कन्वर्ट कर लो मीटर क्यूब में, किसमें कन्वर्ट कर लो? मीटर क्यूब में। तो मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए किसका मल्टीप्लाई करोगे? 10 टू द पावर माइनस 6, अब मिली लीटर है, ठीक है, एक लीटर में 1000 मीटर क्यूब होते हैं, ठीक है, खत्म हो गया। तो यहाँ से वैल्यू 8 आएगी, क्या हुआ? एक्चुअली क्वेश्चन आई थिंक बोनस होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, 9, नाइन्थ में डाउट आ रहा है, क्या पूछा गया है? फ्रीक्वेंसी, थोड़ा सा डिस्प्लेस करो और टॉर्क लिखो, क्या लिखो? टॉर्क।
ऐसा मिलता जुलता एक क्वेश्चन क्लास में किया हुआ है भाई, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, ये लो भाई। ये वाला पॉइंट इधर कितना जाएगा, रॉड की लेंथ कितनी दी हुई है एल, ये जाएगा कितना एल बाई टू थीटा। यहाँ से एक स्प्रिंग फोर्स लगेगा के एक्स, लेकिन एक्स की वैल्यू क्या होगी एल बाई टू इंटू थीटा। ऐसा ही सिमिलर फोर्स यहाँ से लगेगा के इंटू एल बाई टू इंटू थीटा। टॉर्क एनालिसिस इसके अबाउट कर रहे हैं तो एम जी का टॉर्क जीरो, और ये दोनों आपस में आप देख पा रहे हैं इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं, लेकिन दोनों का टॉर्क का सेंस क्या आ रहा है सेम। तो यहाँ पे हिंज पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट कर लो, क्या कैलकुलेट कर लो टॉर्क। तो इस वाले फोर्स का अगर टॉर्क लिखना है तो लिखेंगे के एल बाई टू इंटू थीटा मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा एल बाई टू कॉस थीटा बराबर आई, रॉड है बेटे, एम एल स्क्वायर बाय 12 इंटू अल्फा। तुम्हें समझ आ रहा है थीटा काफी स्मॉल है, अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, कॉस थीटा क्या हो जाएगा 1। नहीं आ रहा समझ, तो देखो एल स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया, ये कितना आ गया 3, तो 3k बाय एम इंटू थीटा इज इक्वल टू अल्फा। मेरे हिसाब से ये क्या हो गया ओमेगा स्क्वायर हो गया। कोई आंसर मैच कर रहा है क्या, फ्रीक्वेंसी पूछ क्या, हाँ सॉरी ये 2 टाइम्स हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, तो ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा आ गया तो फ्रीक्वेंसी पूछी है, फ्रीक्वेंसी ओमेगा में रिलेशन तुम्हें पता है, ओमेगा को 2 पाई से डिवाइड कर देना फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, यस और नो। क्वेश्चन नंबर 10 मुझे नहीं पता कितना आ रहा है इसको, किसकी वैल्यू अच्छा वो 3.1 ले लिया जाए तो 2.5 आ जाता है। आंसर क्या दिया, मैच ही नहीं हुआ ना फिर भी। क्वेश्चन नंबर 10 में किसी को डाउट, ये कैसे किया, इसको पहले कन्वर्ट करोगे, ठीक है ऑक्सिलरी फंक्शन पता होगा करना आता है ना कन्वर्ट, ओके 11 देखो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड हवा में दिया हुआ है, ये बॉब ऑफ अ पेंडुलम इज कंप्लीटली इमर्ज इन अ नॉन विस्कस लिक्विड, डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड इज 1/16 ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉब। एक्चुअल में जब आपने इसे एक नॉन विस्कस लिक्विड के अंदर रख दिया तो इस पर सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी नहीं लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में एफ पॉइंट भी लगेगा। और अगर ये बोल दिया कि डेंसिटी जो है लिक्विड की 1/16 है तो इतना तुम्हें समझना चाहिए 1/16 का मतलब है कि ये पॉइंट फोर्स कितना होगा mg/16। ये बात समझ आ रही है, क्योंकि पॉइंट फोर्स में आता है डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड तो डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड 1/16 तो पॉइंट फोर्स है 1/16। तो यहाँ पर एक्चुअली जी इफेक्टिव की वैल्यू चेंज हो जाएगी, जी इफेक्टिव जी नहीं होगा, कितना होगा g-g/16 That is what 15g/16। और मैंने क्या बोला समझ पा रहे हो, तो यहाँ पर बोला गया कि भैया नया वाला टाइम पीरियड बताओ, तो हमने कहा नया वाला टाइम पीरियड टी डैश है, लेकिन टी डैश की वैल्यू लिखते समय क्या लिखोगे 2π√L/, लेकिन जी की जगह क्या लिखोगे 15g/16। समझ आया, आपको याद होगा डिनोमिनेटर में जी आता था, इफेक्टिव जी आता था, इफेक्टिव जी आता था, तो 2π L/G को T लिख लो, क्या लिख लो T लिख लो, मुझे लगता है आगे अप्रोच कर पाओगे। नहीं आया समझ, क्वेश्चन में 12 आंसर आप लोगों का 4 आ रहा है सभी का, ठीक है चेंज कर लो उसमें फटाफट। किसी का 2 आ रहा हो तो बताओ फिर डिस्कस करूं।
फोर्स इज जीरो एट टी इक्वल्स टू थ्री टी बाई फोर। हाँ थ्री टी बाई फोर पे तो फोर्स जीरो ही होगा। द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीलेशन एट टी इक्वल्स टू टी बाई टू। टी बाई टू पे तो एक्सट्रीम पर है तो टी बाई टू जो टी गलत है। कौन सा गलत है? टी गलत है, बिल्कुल चेंज कर लेना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। अबे ये वही क्वेश्चन है तुम लोग बार बार पूछ लेते हो यार। एक बार इस ऐसे और एक बार ऐसे, तो दोनों एक्सिस के अबाउट आई सेम आएगा, अलग अलग आएगा, अलग अलग आएगा। ऑब्वियस सी बात है टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। स्ट्रेच पोजीशन से वाई को मेजर किया जा रहा है, ऐसा लिखा हुआ है इसमें। अच्छा एक बात बताना, ये एसएचएम की इक्वेशन है या नहीं है? नहीं है, क्यों भैया? कन्वर्ट करो यार, हाफ एंगल फॉर्मूले नहीं पढ़े तुम लोगों ने? तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी हाफ एंगल फॉर्मूला पढ़ा है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है? वन माइनस कॉस टू थीटा बाय टू, आया ना? तो बताओ बेटे इसी को तुम वाई नॉट बाई टू इंटू वन माइनस कॉस टू थीटा, क्या लग रहा है? ये समझ में आया? ये सब तो मैनिपुलेशन आने चाहिए यार। दिस इज ऑल्सो अ इक्वेशन ऑफ एस एच एम, दिस इज ऑल्सो अ इक्वेशन ऑफ एस एच एम। उनको बोलो भैया फोन रख लो बेटे, हाँ लास्ट बेंच, और इतना ही अर्जेंट है तो बाहर जाके कर लो यार, कोई समस्या थोड़ी है, मना थोड़ी कर रहा हूँ। इन क्लास में मत करो यार, बुरा लगता है थोड़ा सा। ले तो वही है, डिसरिस्पेक्ट वाली बात हो गई है यार। मतलब करेंगे तो क्लास में बैठ के करेंगे, बाहर जाओ आराम से करो, बहुत बढ़िया ग्राउंड है, बैठो जमीन पे आराम से, ठीक है? हाँ यहाँ तक समझ आया? एक बार बताना ये क्या लिखोगे? वाई नॉट बाई टू माइनस के वाई नॉट बाई टू कॉस ऑफ टू ओमेगा टी। चलो ठीक है, इतना तो लिख ही लोगे। ये एस एच एम की इक्वेशन है बट विद अ शिफ्टेड मीन पोजीशन। मीन पोजीशन इज एट वाई नॉट बाय टू, लेकिन बी केयरफुल, यहाँ ध्यान रखना इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नहीं है, इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी है? टू ओमेगा है। अच्छा एक बात बताओ, अनस्ट्रेच पोजीशन से वाई को मेजर कर रहे हैं, इफ देयर इज अ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, इफ आई विल आस्क यू वेयर इज अ मीन पोजीशन, मैं आपसे पूछूं कि मीन पोजीशन कहाँ पे होगी, क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? मीन पोजीशन यहाँ से एम जी बाई के डिस्टेंस नीचे होगी, और वो यही बता रहा है कि जो मीन पोजीशन है वो कहाँ पर है? वाई नॉट बाय टू। इसका मतलब अपन लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं यहाँ पर कि जो आपने एम जी बाई के की वैल्यू लिखी है किसके बराबर होगी? वाई नॉट बाय टू। यस और नो? क्या ये नहीं समझ आया? देखो ध्यान से इस इक्वेशन को देख के क्या लग रहा है तुम्हें? This is a equation of SHM with a shifted mean position. पहले वाला टर्म आपको मीन पोजीशन देता था, कुछ याद आ रहा है? तो अपन ये कह सकते हैं जो मीन पोजीशन है वो y नॉट बाई टू पर है इस इक्वेशन से। अब इसको भूल जाओ, इसको देखो, इसके लिए मीन पोजीशन कहाँ पर है? mg by k पर है, लेकिन ये दोनों एक ही कहानी है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो mg by k है वही क्या है? y नॉट बाय टू है। तो देखो यहाँ से तुम्हारे पास एम बाई के की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ गई? वाई नॉट बाय टू जी। सही समझ में आ रहा है? तो यहां से तुम k बाय एम की वैल्यू लिख सकते हो, दैट इज वॉट टू जी बाय वाई नॉट, और इसका स्क्वायर रूट। ये सर ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि ओमेगा पूछा है, लेकिन वी केयरफुल, लोग यहाँ गलती कर जाते हैं, ठीक है? लोग कहते हैं कि हाँ ठीक है डी आंसर होगा, अब एक घदो, ये के बाय एम जो है वो ओमेगा नहीं है आज, वो कितना है? टू ओमेगा है। ये लास्ट स्टेप में ये गलती हो जाती है, क्योंकि इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो तुम ध्यान से देखो इस एक्सप्रेशन में, ओमेगा या टू ओमेगा है, तो स्क्वायर रूट ऑफ के बाय एम विल बी दैट टू ओमेगा, एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा, तो टू से डिवाइड भी करना पड़ेगा, टू से डिवाइड भी करना पड़ेगा। और ठीक हो? बढ़िया एकदम पन्नाट। सॉल्यूशन वॉल्यूशन नोट कर लिया करो भाई, है ना? मतलब जिस कॉपी में तुम लिखते हो, होमवर्क अटेम्प्ट करते हो, या जिसमें अपने क्लास नोट्स रहते हैं उसी में नोट कर लिया करो, फायदे में रहोगे, मतलब बाद में रिवीजन वगैरह करते समय ये सब चीज़ें हेल्प करेंगी, ठीक है? खुद की राइटिंग में अगर कोई चीज़ लिखते हैं ना तो समझ में आ जाती है, ठीक है? ऐसे तो मार्केट में आजकल हर चीज़ के सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, लेकिन उससे कहाँ समझ में आता है? तो क्लास नोट्स भी मिल जाएंगे तुम्हें मार्केट में प्रिंटेड एकदम बढ़िया कलरफुल,
लेकिन तुम्हें लगता है आज तक उनसे किसी ने पढ़ करके कुछ सीखा होगा? कुछ नहीं हो सकता, बहुत अच्छे मिलेंगे, कलरफुल, सतरंगी एकदम। क्वेश्चन नंबर 15। 15 नहीं बता पाएंगे, सॉरी शक्तिमान। 15 में तो पेन चलाने की जरूरत नहीं है। जब वो मीन पोजीशन को क्रॉस कर रहा था, किसको क्रॉस कर रहा था? मीन पोजीशन को क्रॉस कर रहा था, उस समय एक ब्लॉक उसके ऊपर रख दिया गया। यही तो कहानी हुई है। तो तुम्हें साफ साफ समझ में आ रहा है, जब वो मीन पोजीशन को क्रॉस कर रहा होगा, उस समय जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? ए ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू क्या रही होगी? ए बाय एम। ये तो लिखोगे, ठीक है। वो मीन पोजीशन को क्रॉस करने के बाद अब उसकी जो भी नई वाली वेलोसिटी रही हो, लेकिन वो नई वाली वेलोसिटी क्या होगी? नया वाला एम्पलीट्यूड इनटू नया वाला ओमेगा, ये है तो अभी भी मीन पोजीशन पे। तो सीधे से के तो चेंज हुआ नहीं, लेकिन मास चेंज हो गया, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। सही लिखा है क्या? क्या किया, समझ में आया? वेलोसिटी एट मीन पोजीशन तो ए ओमेगा ही होती है। तो जस्ट बिफोर द इवेंट एंड जस्ट आफ्टर द इवेंट, वही फंडा जो आज तक सिखाया। जब भी मोशन को डिस्टर्ब किया जाए तो जस्ट राइट डाउन द वी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस समय वो मीन पर ही है, तो एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, 17, 3 नहीं दिया है, 18, 19, 20, 20 में किसी को डाउट? 21, बस इतना ही था। चलो निकालो क्लास नोट्स फटाफट। मैंने जो एक्सप्रेशन लिखा है उसका आंसर मैच नहीं कर रहा। मिटा दिया, चलो देख लेते हो। मैंने क्या लिखा था? ए इंटू ओमेगा, नया वाला एम्पलीट्यूड पूछा था ना, नया वाला एम्पलीट्यूड ए डैश इंटू ओमेगा, ये आया था। तो मेरे हिसाब से ये जो वैल्यू है ये तो कैंसिल आउट हो गया। सॉरी, मैंने इनको बराबर क्यों कर दिया? बराबर थोड़ी ना, मोमेंटम बराबर होगा ना, वेलोसिटी थोड़ी ना बराबर होगी। हाँ हाँ सही है, मैंने वेलोसिटी बराबर कर दी है बिफोर और आफ्टर, लेकिन वो तो उसके ऊपर रख दिया, तो वेलोसिटी बराबर नहीं होगी। बराबर क्या होगा? मोमेंटम बराबर। तो इनिशियल मोमेंटम था एम इंटू वी, अब ऐसे लिखोगे ए इंटू ओमेगा, अभी मैच करेगा एक। अब बाद में जब लिखोगे फाइनल मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम लिखोगे एम प्लस स्मॉल एम इंटू वी। अब मीन पोजीशन पे जो वी होगा दैट इज ए डैश इंटू ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू क्या लिखोगे? के। अभी सही एक्सप्रेशन है, गलती हो गई थी भाई, वेलोसिटी नहीं, मोमेंटम जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर द इवेंट बराबर हो। वेलोसिटी तो ऑफ कोर्स चेंज हो ही जाएगी क्योंकि मास ही बढ़ गया। हाँ भाई, सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम अलोंग द सेम लाइन विद द सेम फ्रिक्वेंसी, देखना ध्यान से है क्या। थोड़ी देर बाद समझ में आना स्टार्ट होगा, धीरे धीरे कनेक्ट कर पाओगे कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देर इज अ ब्लॉक ऑफ मास एम, मैं जब उसके ऊपर कोई एक फोर्स F1 लगाता हूँ, तो इस केस में ये एक रीस्टोरिंग फोर्स है, और इस रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये पार्टिकल SHM करता है। और सपोज उस SHM की जो इक्वेशन आती है वो आती है A1 साइन ओमेगा टू, सपोज। अब मैं इस फोर्स को हटा करके दूसरा फोर्स लगा रहा हूं, तो उस केस में सपोज जो इक्वेशन आ रही है वो ये आ रही है, अगर F1 लगता है तो मोशन इस तरीके का है, जब F2 लगता है तो मोशन कुछ इस तरीके का है। चर्चा हो रही है सेम फ्रीक्वेंसी, इसलिए दोनों का ओमेगा क्या रखा हुआ है? सेम रखा हुआ है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि फोर्स कांस्टेंट फॉर बोथ ऑफ द वैल्यूज क्या है? सेम, क्योंकि ओमेगा होता है फोर्स कांस्टेंट बटे एम का स्क्वायर रूट। यस और नो? एम्पलीट्यूड अलग अलग हो सकता है, मे बी फेज अलग अलग हो सकता है। मुद्दा सुपर पोजिशन का मतलब समझो, सुपर पोजिशन ये वर्ड कई बार यूज होगा,
अगर एफ वन है तो ये है, एफ टू है तो ये है, सुपर पोजिशन मतलब अगर ये दोनों होते एफ वन भी होता और एफ टू भी होता तो फिर मोशन कैसा होता। मुद्दे की बात यह है कि पहले वाले केस में आप डायरेक्टली ये बोल सकते हो कि जो एफ वन की वैल्यू है दैट इज माइनस ऑफ के एक्स वन, दूसरे वाले केस में बोल सकते हो एफ टू इज इक्वल टू वॉट माइनस के इंटू एक्स टू। अब सवाल ये है कि अगर ये दोनों फोर्सेज एक साथ लगने लगेंगे तो क्या ये पार्टिकल एस एच एम करेगा, पहला सवाल तो ये है। और अगर ये एस एच एम करेगा तो अगला सवाल ये है कि उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, रिजल्टेंट फ्रिक्वेंसी क्या होगी। अगर एफ वन लगता है तो एम्पलीट्यूड ए वन होता है और एफ टू लगता है तो एम्पलीट्यूड ए टू होता है। तो लगा एफ वन और एफ टू दोनों एक साथ लगने लगे तो अगर ये एस एच एम करेगा, पहले तो ये प्रूफ करो कि एस एच एम करेगा या नहीं करेगा, और अगर करेगा तो बताओ कि उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा। तो इस केस में अगर एफ वन और एफ टू दोनों एक साथ लग रहे हैं तो मैं कहूंगा यार बॉडी के ऊपर जो नेट फोर्स होगा वो ये हो जाएगा, और इन दोनों की वैल्यूज पुट करो तो ये हो जाएगा। अगर मैं बोलूं दिस इज अ रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एक्स रिजल्ट, तो आप यहां भी ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या कि यार बॉडी के ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है ना वो अभी भी एक्स के क्या आ रहा है, प्रोपोर्शनल आ रहा है। ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि जो फोर्स है वो एक्स के लीनियरली प्रोपोर्शनल, किसके प्रोपोर्शनल है, लीनियरली प्रोपोर्शनल। तो अगर फोर्सेस को ऐड किया तो पोजीशंस भी ऐड होगी, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी नेट फोर्स के क्या आ रहा है, प्रोपोर्शनल आ रहा है। इतना तो तय हो चुका है कि अगर एफ वन और एफ टू दोनों एक साथ भी लगेंगे ना तो भी एस एच एम होगा, तो भी क्या होगा, एस एच एम होगा। और मान लेते हैं उस एस एच एम की जो रिजल्टेंट इक्वेशन होगी वो होगी ए आर साइन ओमेगा टी। हमारा मेन मुद्दा यहाँ पर जो रहेगा वो ये रहेगा कि अगर एक्स वन और एक्स टू दिया हुआ है तो हम एक्स रिजल्टेंट निकाल पाए, और यहाँ से देख करके हमें समझ भी आ रहा है कि जो एक्स रिजल्टेंट है उसकी वैल्यू क्या है, एक्स वन प्लस एक्स टू। अभी थोड़ी देर में समझ आएगा कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। जैसे कि मैं आपको एक सिचुएशन डिस्क्राइब करता हूँ, शायद आप बेहतर तरीके से समझ पाए। मान ले ट्रॉली है तुम्हारे पास, इस ट्रॉली के अंदर देयर इज अ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, ठीक, और ये जो ब्लॉक है वो इस तरीके से ऑक्सीलेट कर रहा था, क्या कर रहा था, ऑक्सीलेट। तो इसकी एक इक्वेशन थी अपनी, मान लो कि ये अपनी मीन पोजीशन से इधर जाता था फिर ऐसे आता था, इस तरीके से चल रहा होगा इसका मोशन। लेकिन सपोज इस ब्लॉक को भी मैंने यहाँ पे एक स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया, आइडेंटिकल स्प्रिंग, तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि अभी ये जो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट है ये तो अभी भी हो रहा है, लेकिन ब्लॉक जिस फ्रेम के अंदर रखा है वो फ्रेम भी क्या कर रहा है, ऑक्सीलेट कर। मान लो यहाँ पर ये जो ब्लॉक है ये अपनी मीन पोजीशन से 2 सेंटीमीटर आगे जाता है, कितना आगे जाता है, 2 सेंटीमीटर। इतनी देर में मान लो ये जो ट्रॉली है ये ट्रॉली 1 सेंटीमीटर आगे चली जाती है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि ग्राउंड फ्रेम में इसका डिस्प्लेसमेंट बता दो ब्लॉक का, तो तुम्हें समझ में आ रहा है ये जो 2 सेंटीमीटर लिखा हुआ है ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली, अरे है या नहीं। और अगर आप ग्राउंड फ्रेम में डिस्प्लेसमेंट लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रॉली, ये तो तुम्हें रिलेटिव से पढ़ाया गया। तो यहाँ पे अगर ग्राउंड फ्रेम से तुम ऑब्जर्व करोगे तो तुम यहाँ पर नेट रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट अभी क्या लिखने वाले हो, 2 + 1 एंड दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट, 3 सेंटीमीटर। मुद्दा ये है कि अगर ग्राउंड फ्रेम से कोई सिस्टम को देख रहा है तो क्या ये एसएचएम कर रहा होगा, हम कहेंगे बिल्कुल कर रहा होगा, क्योंकि आप देख पा रहे हैं रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आप इस तरीके से बहुत आसानी से लिख सकते हैं। हाँ बस बात अलग है कि उसका रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। सिचुएशन समझ में आया भाई, पहले इस ब्लॉक के अंदर ये एसएचएम कर रहा था लेकिन उस फ्रेम को भी हमने एस एच एम कराना शुरू कर दिया जिस फ्रेम में ये एस एच एम कर रहा था, मतलब इसे एक ट्रॉली को एक स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया तो अब ये ट्रॉली भी इस तरीके से एस एच एम कर रही है और ये ब्लॉक भी इस तरीके से एस एच एम कर रहा है। इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस है तो डिफरेंस एम्पलीट्यूड का हो सकता है या और दूसरा किसका हो सकता है, फेज का हो सकता है। हो सकता है कि जब ये ट्रॉली अपनी राइट एक्सट्रीम पे हो
तब ए ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली अपनी मीन पोजीशन पे। इट मे बी पॉसिबल कि आउट ऑफ द फेस हो, जब वो लेफ्ट एक्सट्रीम पे हो तो ये राइट एक्सट्रीम पे हो, मतलब एक्चुअली इनके मोशन में देयर इज अ फेज डिफरेंस। किसका डिफरेंस है? फेज का डिफरेंस। ट्रॉली के फ्रेम में भी SHM होगा और ग्राउंड फ्रेम में भी SHM। मुद्दा ये है कि ग्राउंड फ्रेम में वो रिजल्टेंट इक्वेशन कैसे कैलकुलेट करें, उसी के बारे में अपन लोग चर्चा करने वाले हैं अभी। इतना नोट करो, फिर बताऊंगा आगे किस तरीके से, या पहले देख ही लो एक मिनट। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन, जैसे मैंने बोला कि जो X1 है ना बेटा, उसकी वैल्यू है 3 sin ωt, और जो X2 है ना उसकी वैल्यू है 4 cos ωt। ऐसी को आप क्या लिख सकते हो? 4। ये तो मैं सिखा चुका। मान लो ये इक्वेशन है, ये तुम समझ में आ रहा होगा ये क्या है। ये X1 ये है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली, मतलब ट्रॉली के फ्रेम से अगर देख रहे हो, सुन लेना ध्यान से, ट्रॉली के फ्रेम से देख रहे हो तो तुम्हें ये वाली इक्वेशन दिखाई दे रही है। पार्टिकल का जो पोजीशन है वो इस तरीके से क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। और जब तुम ट्रॉली को देख रहे हो तो ट्रॉली इस तरीके से ऐसे चिम कर रहा है। मुद्दा ये है कि अगर कोई ग्राउंड फ्रेम से देखेगा, कहां से देखेगा? ग्राउंड फ्रेम से देखेगा, तो ये SHM अगर कर रहा है तो उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा? तो हम कहेंगे देखो यार, ग्राउंड फ्रेम से देखना है तो ये तो ऑब्वियस ही बात है, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली एंड दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रॉली। तो ग्राउंड फ्रेम से देखना है तो सिंपली कहूंगा दोनों के डिस्प्लेसमेंट को क्या कर दो? ऐड कर दो। दोनों के डिस्प्लेसमेंट को ऐड किया तो यहाँ पे लिखेंगे 3 sin ωt प्लस 4 sin ωt प्लस π/2। आया ना भाई, कैसे मत हो? अब मैथमेटिकली मैनिपुलेट करके इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो मैं दिखाई दे रहा है यहाँ पर ऑक्सिलरी फंक्शंस बन रहे हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से डिवाइड कर दो, ये बन जाएगा तुम्हारे सामने। जो 5 दिखाई दे रहा है ये क्या है? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ये फेज कॉन्स्टेंट। अगर ग्राउंड फ्रेम से कोई इंसान देख रहा है तो उसको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 5 दिखाई देगा, और फेज एट टी बराबर 0 पर कितना दिखाई देगा? 53 डिग्री दिखाई देगा। मुद्दा समझ में आया? ये तो चलो तुम्हें दिखाई दे रहा था, बढ़िया से एंगल बन रहे थे तो सॉल्व कर पाना तुम्हारे लिए आसान था। वैल्यूज ऐसी दी हुई थी कि 3/5 दिख रहा था, 53 डिग्री बन रहा है कॉस का, और 4/5 दिखाई दे रहा था। लेकिन हर बार इतनी आसानी से सॉल्व हो जाए ऐसा जरूरी नहीं। और अभी तो मान लो 2 SHM का सुपर पोजिशन पड़ा, आगे हो सकता है 3 या 4 का सुपर पोजिशन हो, तो उसके लिए यहाँ पर इससे भी एक यूजफुल मेथड है जिसको हम फेजर मेथड या वेक्टर मेथड कहते हैं। वो मुझे लगता है ज्यादा आसान है, उसको समझ लो। उससे क्या है कि कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को बहुत आसानी से डील किया जा सकता है। क्या है वो मेथड समझ लेना, आगे जाकर के अल्टरनेटिंग करंट में भी यूज कर रहे होंगे। X1 बराबर 3 sin ωt लिखा हुआ है, जिन डिस्प्लेसमेंट्स को तुम ऐड करने जा रहे हो उनको ऑब्जर्व करो। पहले वाले को ऑब्जर्व किया तो इसका एम्पलीट्यूड कितना है? 3, और इसका फेज कितना है? 0। तो हम यहाँ पर वेक्टर्स ड्रॉ करते हैं। पहला वाला वेक्टर जो ड्रॉ करूंगा उस वेक्टर की लेंथ आपकी 3 होगी, और इसका फेज 0 है, तो फेज 0 मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग होगा। अब मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ दूसरा वाला देखो इसका एम्पलीट्यूड कितना है? 4। अगला वेक्टर ड्रॉ होगा 4 का, लेकिन उसका फेस कितना है? π/2। तो 4 लेकिन π/2 मतलब यहां पर। ये मैंने 2 वेक्टर ड्रॉ कर दिए। इफ आई विल आस्क यू व्हाट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ दीज 2 वेक्टर्स, आप सिंपली कहोगे कितना? 5। आपको समझ में आ रहा है ये वाला एंगल कितना? 53 डिग्री। तो जो आप रिजल्टेंट इक्वेशन लिखोगे, क्या लिखोगे? रिजल्टेंट इक्वेशन। सीधे सीधे रिजल्टेंट इक्वेशन इस तरीके से लिखोगे, जो रिजल्टेंट तुम्हारा एम्पलीट्यूड आया 5 sin ωt, ये एंगल कितना है? 53 डिग्री। ये लो भैया बात खत्म। दिस इज अ वेक्टर मेथड। वेक्टर मेथड इसलिए आसान होता है कि इवन 2 से ज्यादा भी वेक्टर हुए तो उन्हें भी कंपोनेंट्स में रिजोल्व करके अपन लोग ऐड कर सकते हैं। एंगल वेंगल का कोई ज्यादा लोचा है नहीं। तो ये तरीका होता है, बी केयरफुल, हमेशा याद रखना, जो वेक्टर आप ड्रॉ करोगे उसका जो मैग्नीट्यूड है दैट शुड बी द एम्पलीट्यूड। वो क्या होना चाहिए? एम्पलीट्यूड।
ओरिएंटेशन डिसाइड करेगा फेज कांस्टेंट, कौन डिसाइड करेगा फेज कांस्टेंट, दिस इज योर रेफरेंस लाइन, ये आपकी रेफरेंस लाइन है, अगर आप प्लस कर रहे हैं तो यहां जाएंगे, माइनस कर रहे हैं तो नीचे जाएंगे। आपको पता है हमने जो भी फेजर पढ़ा है वो साइन फंक्शन का पढ़ा या कॉस का, साइन का पढ़ा, अगर आपको कॉस का फंक्शन दिया हो तो आप सबसे पहले उसे साइन में जरूर कन्वर्ट कर ले, मतलब या तो उसमें प्लस पाई बाई टू कर दो, या फिर मैं कह सकता हूँ अगर कॉस का फंक्शन दिया हुआ है तो आप एंगल रेदर देन एक्स उसकी बजाय कहाँ से मेजर कर रहे हैं, वाई एक्सिस से मेजर कर रहे हैं, ज्यादा रिस्क लेना ही नहीं है, साइन में कन्वर्ट करना है, कॉस को क्या कर देना सीधे सीधे पाई बाई टू एड कर देना, इतना समझ आया थोड़ा बहुत, इतना नोट करो फिर आगे देखते हैं कि किस प्रोफाइल के क्वेश्चंस बनेंगे। तो देखो मुद्दा तो ये है कि बस तुम्हें एट द एंड ये चीज याद रखनी है, चाहे कुछ समझ में आया हो या ना आया, क्योंकि जो प्रोफाइल के क्वेश्चंस होंगे वो ऐसे ही होंगे, जैसे कि आपको हो सकता है रिजल्टेंट इक्वेशन ऑफ SHM पूछा जाए, कई सारे सवाल आपके सामने इससे पहले आए हो तो मे बी आपने उसे मैथमेटिकली सॉल्व किया हो, जैसे कि मान लो आपसे बोला जाए एक इक्वेशन ये है, ठीक है आपसे बोला गया रिजल्टेंट इक्वेशन दिया होगा तो ऐसे दिया होगा, रिजल्टेंट इक्वेशन ऑफ SHM बताइए क्या होगी, क्या पूछा गया रिजल्टेंट इक्वेशन ऑफ SHM, ये सवाल तुम्हारे सामने आ गया, मतलब बेसिकली तुम्हें ये फाइंड आउट करना है एक ऐसी इक्वेशन जो इन सब का समेशन है। मुद्दा ये है कि इन तीनों सवालों में सभी का ओमेगा क्या है सेम, लेकिन सभी का एम्पलीट्यूड ऑफ फेज क्या है अलग अलग, इन तीनों को ऐड करना है और रिजल्टेंट इक्वेशन बतानी है, तो फेजर मेथड से जल्दी हो जाएगा, मैथमेटिकली डील करोगे तो काफी लंबा प्रोसेस होगा, पहले आप x1 x2 का रिजल्टेंट निकालोगे, फिर उसका रिजल्टेंट निकालने के बाद x3 के साथ निकालोगे, लेकिन तुम्हें समझ आ रहा होगा वेक्टर मेथड से एक लाइन का सवाल है, टाइम चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तीन वेक्टर ड्रॉ करने, पहला वाला वेक्टर देखो 3 इधर बन जाएगा, दूसरा वाला कॉस का फंक्शन लिखा हुआ है तो इसको कन्वर्ट करो किसमें, साइन में, साइन में कन्वर्ट किया तो क्या लिखोगे ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, अरे हाँ या ना, तो अगला जो फंक्शन ड्रॉ करोगे वो पाई बाई टू लिखा है तो 4 इधर बन जाएगा, सिमिलरली इसको भी कन्वर्ट करते तो इसको कन्वर्ट करके क्या लिखते 6 साइन ओमेगा टी प्लस पाई, क्यों भाई कुछ समझ आ रहा है, तो अगला इधर आएगा क्योंकि पाई लिखा है ना इसका मतलब यहाँ पे, ये हो गया वेक्टर कितना, ये तीन वेक्टर हैं, तीन इधर 6 इधर 4 इधर, तुम्हें समझ में आ रहा है, ये 4 ये 3 इनका रिजल्टेंट इधर आ गया कितना 5, ये सब तो आता ही होगा, इसमें SHM क्या वेक्टर है, तुम्हें दिख रहा है ये वाला एंगल, ये कितना एंगल आ रहा है 127 आ रहा है, समझ में आया, क्योंकि ये वाला एंगल जो है तुम्हारा ये हो गया 53 डिग्री, tan theta बराबर 4/3, तो रिजल्टेंट इक्वेशन ऑफ SHM लिखना है तो उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बताओ कितना आ रहा है, कितना आएगा 5, यस और नो, साइन ओमेगा टी एंगल 120, अभी भी डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि ये वो मेथड है जो कई बार यूज होगा, है ना, मतलब SHM में तो कुछ ज्यादा सवाल नहीं मिलेंगे, गिनती के 2-3 सवाल मिलेंगे तुम्हें तो मुश्किल से, लेकिन आगे जाने के बाद आगे जब हम वेव्स पढ़ रहे होंगे, ठीक है वहाँ पे सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स पढ़ रहे होंगे, स्टैंडिंग वेव्स वगैरह के बारे में चर्चा चल रही होगी, ठीक है, या फिर ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ रहे होंगे, वहाँ पे 4 अलग अलग वायर से ऑल्टरनेटिंग करंट आ रहा है, ऐड हो रहा है, किसी एक वायर में जा रहा है, तो वहाँ पर ये सारे मेथड्स काफी यूजफुल रहेंगे, क्लियर है, कोई रॉकेट साइंस है क्या, कुछ भी नहीं है उसमें, ठीक है एक लास्ट क्वेश्चन और है मेरा, ऐसे ही है सिंपल सा क्वेश्चन, फाइंड द रिजल्टेंट इक्वेशन ऑफ SHM, पहले आंसर लिखो बाद में सवाल लिख लेना, जिसका आ रहा है ना गलत है, 30 साइन ओमेगा टी विल बी द आंसर, सेम डायरेक्शन में मत ले जाना सारे, एक में ओमेगा टी प्लस नहीं है, ओमेगा टी माइनस है, समझ आया, लेट्स सी देखते हैं
यहां पर पहला वाला जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 10√2 लेकिन प्लस पाई बाय 4, मतलब एक्स एक्सिस से 45 डिग्री ऊपर आ जाएगा। ठीक, दूसरा वाला 10√2 तो है लेकिन माइनस पाई बाय 4 है, तो ये एक्स एक्सिस से नीचे बनेगा। बताया था प्लस तो एंटी क्लॉकवाइज चलोगे, माइनस तो उसके जस्ट अपोजिट चलोगे, तो ये इधर बन जाएगा 45 डिग्री 10√2। और तीसरा वाला 10 साइन ही लिखा हुआ है, तो ये तो ऐसे ऐसे बन जाएगा। इन तीन वेक्टर्स को ऐड करना है, तो शायद तुम्हें साफ साफ दिख रहा है, बढ़िया सा मतलब वैल्यूज ली गई है। 10√2 और 10√2 इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा, इधर ही आएगा, क्योंकि 90 डिग्री है, और वो रिजल्टेंट होगा √2 टाइम्स ऑफ 10√2। ये वैल्यू मेरे हिसाब से कितनी हो जाएगी, 20, तो 20 ये है, 10 ये है, तो ये वैल्यू जो है तुम्हारे सामने कितनी होगी, 30 होगी। कुछ नहीं है, मतलब ऐसे टाइम पास है, सीख गए तो अब कुछ भी स्टाइल मारो तुम लोग। कहने के लिए वैसे बहुत बड़ा नाम है सुपर पोजिशन। साइन ओमेगा टी एक ऐसी कंडीशन है, फिजिकली अगर फील करो तो ये है क्या एक्चुअली में सिचुएशन, समझ में आ रहा है तुम लोगों को। यहाँ पर ये सिचुएशन ऐसी, ट्रॉली, ट्रॉली के अंदर एक स्प्रिंग, उससे ब्लॉक कनेक्टेड था, वो जब SHM कर रहा था तो उसकी इक्वेशन कौन सी वाली थी, X1 वाली थी, लेकिन यहाँ पर ये ट्रॉली, ठीक है, ये कहीं और कनेक्ट था, ठीक है, ये जिस पॉइंट पर कनेक्टेड था, उसका भी स्प्रिंग कांस्टेंट के, ठीक है, लेकिन ये जिस पॉइंट पर कनेक्टेड था वो खुद किसी एक स्प्रिंग से कनेक्टेड था, ये कहानी है एक्चुअली में। मतलब अगर समझना चाहो कि हो क्या रहा है, तो ये SHM कर रहा था X1 से, ये वाला जो SHM कर रहा था ट्रॉली वो कितने से कर रहा था, X2 से, और ये वाला जो SHM कर रहा था वो X3 से कर रहा था। तो ग्राउंड फ्रेम में तुम्हें जो रिजल्टेंट इक्वेशन दिखाई देगा दैट विल बी द X1 प्लस X2 प्लस X3। क्या समझ में आया गरीबो? दैट वॉज द सुपर पोजिशन ऑफ SHM अलॉन्ग द सेम लाइन। यहाँ पे मुद्दे की बात ये थी कि सारी की सारी स्प्रिंग जो थी वो एक ही लाइन में लगी हुई थी, मतलब हर ट्रॉली या हर ब्लॉक का जो SHM था वो एक एक्सिस के अलोंग ही हो रहा था। अब बात करेंगे सुपर पोजिशन ऑफ SHM इन टू परपेंडिकुलर लाइंस। मतलब अब नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा, यहाँ पर इसमें ये ब्लॉक इस तरीके से SHM कर रहा है, लेकिन ब्लॉक जिस फ्रेम में SHM कर रहा है वो भी SHM कर रहा है, लेकिन अभी उसका SHM अलोंग द एक्स एक्सिस नहीं है, अभी उसका SHM वाई एक्सिस के अलोंग। तो तुम्हें समझ में आ रहा है ये ब्लॉक ऐसे तो जा ही रहा है लेकिन ऐसे भी जा रहा है, तो मुद्दा ये है कि ग्राउंड फ्रेम में ये मोशन कैसा दिखेगा। ग्राउंड फ्रेम में पहली बात तो क्या ये SHM होगा या नहीं होगा, है ना, वो अभी चर्चा करेंगे, अभी पूछ नहीं रहा हूं तुमसे, कमेंट बाजी बिल्कुल नहीं करने का, ठीक है। ग्राउंड फ्रेम में ये मोशन कैसा होगा वो भी हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं। तो मुझे ये बात समझ में आ रही है कि जो फोर्स इधर लग रहा है जिसको अपन FX बोल रहे हैं, इसके करस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन होगी वो माइनस के KX होगी, और जो फोर्स Y के अलोंग लग रहा है उसके करस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, माइनस ऑफ KY होगी। X एक्सिस के अलोंग सिर्फ ये होता, मैं तो ऐसे देखता हूँ कि अगर सिर्फ ये होता तो इसके SHM की जो इक्वेशन आती वो कुछ इस तरीके की आती, A1 साइन ओमेगा टी, इसको भूल जाओ, ये होता ही नहीं। मान लो यहाँ रॉड लगी होती, क्या लगी होती, रॉड लगी होती तो मोशन ऐसा होता। अब क्या करो, यहाँ पे मान लो एक रॉड लगी होती और यहाँ स्प्रिंग होती, तो सिर्फ अगर ये वाली स्प्रिंग होती तो मोशन जो होता वो वाई के अलोंग SHM होता। मान लेते हैं कि वाई के अलोंग जो SHM होता उसकी इक्वेशन क्या होती, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, एक को जीरो मान लिया दूसरे को फाई मान लिया। एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट जो है ना वो फेज डिफरेंस में होता है, किसमें होता है, फेज डिफरेंस। कुछ लोग ये सोच रहे हो कि आपने यहाँ जीरो क्यों ले लिया, मत लो बेटा तुम, एक को α1 मान लो, एक को α2 मान लो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वैसे भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में बात चल रही है, ठीक है। तो अपन ने कहा कि यार अगर ये वाली स्प्रिंग होती तो ऐसा होता,
ये वाली स्प्रिंग होती तो ऐसा होता, लेकिन मुद्दा यह है कि आज ये दोनों स्प्रिंग है तो कैसा होगा। अगर आज ये दोनों स्प्रिंग है तो ये मोशन किस तरीके का होगा। तो एक्चुअली में मोशन किस तरीके का होगा ना, वो इस पर डिपेंड करता है। मैं भी आपको दिखाऊंगा, ये मे बी पॉसिबल है कि SHM हो, और इट मे बी पॉसिबल कि SHM ना हो। वो डिपेंड करेगा यहाँ पर इस बात पर कि ये जो दो फोर्सेस है ना, इन फोर्सेस की वजह से जो मोशन हो रहा है ना, उनके बीच का फेज डिफरेंस क्या है, उनके बीच का फेज डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे हमें बहुत सारे अलग अलग केसेस को कंसिडर करना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहले मैं यहाँ पर केस नंबर वन ले रहा हूं कि इन दो के SHM का जो फेज डिफरेंस है ना, वो 0 या 180 होता है। या तो ये दोनों मोशन का फेज क्या होता, सेम, या फिर 180 मतलब आउट ऑफ फेज। क्या आउट ऑफ फेज? सेम होने का मतलब समझ पा रहे हो, मतलब जब ये अपनी एक्सट्रीम पे होता तो वो भी अपनी एक्सट्रीम पे होता, ठीक है। इस तरह की कहानी, एक स्पेशल केस दे रहा हूं। तो अगर मैं स्पेशल केस कंसिडर करूं और फाई की वैल्यू को बेटा 0 रख दूं, क्या रख दूं? 0। तो तुम समझ पा रहे हो, अगर 0 रख दोगे तो यहाँ पे तुम्हारे सामने ऊपर वाली इक्वेशन तो सिंपली कितनी है, A1 साइन ओमेगा टी, और ये वाली जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, A2 साइन ओमेगा। अगर इन दोनों को डिवाइड मार दूं, y1 अपॉन x1 बराबर क्या आ जाएगा, a1 by a2। अगर 0 है तो a1 by a2 आएगा, 180 होता तो तुम्हें समझ में आ रहा है। एक मिनट, उल्टा लिख दिया मैंने शायद, है ना, ये चेंज कर लेना। ये क्या हो जाएगा बेटे, a2 by a1। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, प्लस माइनस, 0 होगा तो प्लस आता, 180 होता तो माइनस आता। तो यहां से अगर तुम देखो तो ग्राउंड फ्रेम में ये जो इक्वेशन है ना, इट इज अ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, y = mx। ये पार्टिकल जो है ना, वो अगर फेज डिफरेंस 0 हुआ, कितना हुआ 0, तो इस लाइन के अलोंग SHM करेगा। अगर ये एंगल थीटा है, क्या है, थीटा, तो जो स्लोप होगा, मतलब tan थीटा की अगर मैं वैल्यू की बात करूं, तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, a2 by a1। यहाँ पर ये x एक्सिस के अलोंग ये मैक्सिमम कोऑर्डिनेट होगा a1, और इसका ये मैक्सिमम कोऑर्डिनेट कितना होगा a2। ये -a1, ये -ऑफ a2। ऐसे सोचो, अगर फेज डिफरेंस 0 है तो वो स्प्रिंग जो x के अलोंग है वो कहेगी बेटा इधर चलो तुम, और वो स्प्रिंग जो y के अलोंग है वो उसी मोमेंट पर कहेगी बेटा तुम ऊपर चलो। तो ये कहेगा भैया तुम पहले डिसाइड कर लो मुझे किधर जाना, ऐसा तो है नहीं कि मेरे दो हिस्से कर दो, है ना, ऊपर वाला हिस्सा एक्स के अलोंग चला गया और नीचे वाला हिस्सा वाई के अलोंग। पहले तुम आपस में लड़ भिड़ लो और डिसाइड कर लो कि तुम चाहते क्या हो। एक्स एक्सिस के अलोंग दोनों का फेज डिफरेंस 0 है, कितना है फेज डिफरेंस 0, तो इसका मतलब अभी मैं ये कह सकता हूँ कि पार्टिकल अपने मीन पर है। और अगर इसको देखता हूँ तो ये स्प्रिंग कहेगी इधर जाओ इधर चलो, और ऊपर वाली स्प्रिंग कहेगी कहाँ जाओ ऊपर। लेकिन दोनों का k सेम है, दोनों का k सेम है, तो वर्जस की लड़ाई है नहीं, ठीक है। तो होगा क्या एक्चुअली में यहाँ पर, कि इसका जो रिजल्टेंट मोशन है वो रिजल्टेंट मोशन इस लाइन के अलोंग होगा। मुद्दा ये है कि इस बार ये जो SHM है वो ना एक्स के अलोंग करेगा ना वाई के अलोंग करेगा, वो SHM एक लाइन के अलोंग करेगा जिसका स्लोप जो है वो a2 by a1 के बराबर होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्राउंड फ्रेम से अगर तुम देख रहे हो तो तुम्हें ये जो मोशन दिखाई दे रहा होगा वो मोशन इस लाइन के अलोंग दिख रहा होगा, और इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये जनाब कितना है a1, ये कितना है a2, तो ये डिस्टेंस जो है शायद तुम समझ पा रहे हो कितना हो जाएगा, a1² + a2². तो SHM आज भी होगा, ये तब होगा जब फाई की वैल्यू 0 है। और अगर मान लो फाई की वैल्यू जो है वो 180 होती तो यहाँ पे माइनस आता तो तुम्हें समझ में आ रहा है इसका जस्ट क्या हो जाता, उल्टा हो जाता। ऐसा तब होता कि फाई की वैल्यू क्या होती, 180 होती, क्योंकि 180 होती तो आउट ऑफ फेज। आउट ऑफ फेज का मतलब समझ में आ रहा होगा कि जब ये कहता कि तुम ऊपर की तरफ जाओ तो ये कहता तुम इधर जाओ, नहीं समझे।
अगर एक का फेज जीरो है तो दूसरे का फेज 180 है, तो इसका मतलब जिसका जीरो है तो वो कह रहा है चल बेटा इधर चल, लेकिन जिसका 180 है वो कहाँ कहेगा नीचे, तो इसका रिजल्टेंट SHM इस लाइन के अलावा, तो अभी भी इसका जो एम्पलीट्यूड है वो यही रहेगा। एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, वो तो तुम्हें समझ आ रहा होगा मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस। ठीक है भाई, तो आज भी इक्वेशन जो है वो SHM की ही बनेगी, लेकिन वो SHM ना एक्स के अलोंग होगा ना वाई के अलोंग होगा, वो XY प्लेन में किसी रिजल्टेंट के अलोंग होगा। और ये बहुत सिंपल सी बात है, इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, एक बॉडी थी उस पर एक फोर्स इधर लग रहा था, एक फोर्स इधर लग रहा था, और अगर दोनों सेम फेज में थे तो रिजल्टेंट फोर्स इधर आ गया, तो इसका मतलब है SHM इस लाइन के अलोंग। तो समझ आया, नोट करिएगा इसको, फिर आगे बात करते हैं। फेज 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 मतलब वन एट्टी डिग्री का मतलब ये हो गया कि ये फोर्स ऊपर ना लग करके कहाँ लग रहा होगा, नीचे लग रहा होगा। वैल्यू पुट कर दो ना उसमें फाइव की 180 टी बराबर जीरो पर, तो साइन 180 वो पता चल जाएगा भाई। शकल ऐसी है कि तुम किसी से जाके कंप्लेन भी करोगे ना तो पकड़ के तुम्हें और धुनेगा, मतलब कोई तुम्हारी बातों पे विश्वास नहीं करेगा, पुलिस तो वैसे ही पकड़ के ले जाएगी, देखते ही साले तुम ही चोर लग रहे हो। चलो आगे स्वाद, चलो जल्दी लिखो, तुम कहां थे इतने के दिन से, रोज आते हो? और भाई ठीक हो? कुछ लोगों को तो जिस दिन से जैकेट मिली उस दिन से आने ही बंद कर दिए, कोटा आने का मकसद पूरा हुआ, मिशन सक्सेसफुल, मिशन सक्सेसफुल। यही है वो लोग। अब हम कहीं और जाएंगे, वहां से जैकेट इकट्ठी करेंगे, कलेक्शन लगाएंगे। हाँ, एक स्टेटमेंट लिखना फटाफट। द रिजल्टेंट इक्वेशन विल बी SHM इफ अ फेज डिफरेंस इज 0 और 180, इफ अ फेज डिफरेंस इज 0 और 180। तो ये केस नंबर वन था बेटा, अब आते हैं केस नंबर टू पर। डिफरेंस है वो आपका 90 या फिर 270 डिग्री होता, मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है, या तो पाई बाय टू होता या फिर ये वैल्यू 3π/2 होती है। बातचीत नहीं, वो फेज π/2 या 3π/2, तुम्हें बात समझ आ रही है? π/2 या 3π/2 का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है जब ये ब्लॉक इस स्प्रिंग के रिस्पेक्ट में कहाँ पे होता, अपनी मीन पोजीशन पे होता, तो इसके रिस्पेक्ट में वो कहाँ होता, अपनी एक्सट्रीम पर। अब वो एक्सट्रीम आइदर आपकी लेफ्ट एक्सट्रीम भी हो सकती है या राइट एक्सट्रीम भी हो सकती है। मतलब पिछली बार तो क्या था कि दोनों फोर्सेस अपनी मैक्सिमा या मिनिमा वैल्यू को एक साथ अचीव कर रहे थे, क्योंकि पहले इनके बीच का जो फेज डिफरेंस था वो कितना था, 0 या 180, लेकिन इस बार ये फेज डिफरेंस आपने पाई बाय टू कर दिया। क्या कर दिया? पाई बाय टू कर दिया। इसका मतलब है जब एक फोर्स 0 होगा तो दूसरा मैक्सिमम होगा। नहीं समझ पा रहे? तो अब सवाल ये उठता है कि ग्राउंड से अगर कोई भाई साहब देख रहे हैं, ग्राउंड से अगर कोई भाई साहब देख रहे हैं, तो उनको रिजल्टेंट मोशन किस तरीके का दिखाई दे रहा होगा? क्या अभी भी SHM दिखाई देगा? देखते हैं, लेट्स सी। हमें तो पता नहीं, हमने कहा देखो भाई X1 की वैल्यू है A1 साइन ओमेगा टी, अगर सिर्फ ये वाली स्प्रिंग होती तो मोशन ऐसा होता,
और सिर्फ ऊपर वाली स्प्रिंग होती तो मैं लिखता साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू प्लस या माइनस, सही लिख रहा हूँ? तो एक बात बताना यहाँ से देख करके, ये तो तुम्हें समझ ही आ गया होगा कि इसको अगर मैं के टू कॉस ओमेगा टी लिख दूं तो कोई तकलीफ है क्या? इफ यू वॉन्ट टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स वन एंड वाई वन, शायद तुम्हें यहाँ पे दिख रहा हो साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी, एलिमिनेट करना टाइम को, ट्रेजेक्ट्री निकालनी है। क्या निकालनी है? ट्रेजेक्ट्री। पिछली बार तो डिवाइड करके ही काम हो गया था क्योंकि साइन आ रहा था, लेकिन तुम्हें इस समझ आ रहा होगा कि तुम्हें यहाँ पर आइडेंटिटी का यूज करना पड़ेगा। यहाँ बोलोगे साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, मैंने सुना ये वैल्यू वन होती है, यस और नो? तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मतलब क्या हुआ? एक्चुअली पता है एसएचएम नहीं दिखेगा ग्राउंड वालों को, अगर कोई ग्राउंड से देखेगा तो उसके इस केस में एसएचएम दिखाई नहीं देगा। इस केस में जो मोशन है वो एलिप्टिकल मोशन हो रहा होगा, मतलब आप समझने की कोशिश करना ये मोशन कुछ इस तरीके का होगा। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट की मैक्सिमम वैल्यू 0, a/2, एक्स कोऑर्डिनेट की मैक्सिमम वैल्यू a/1, 0। अगर कोई ग्राउंड से देखेगा तो उसे ऐसा लगेगा कि ये इस तरीके का एसएचएम हो रहा है, या तो ऐसे होगा पाई बाई टू है या फिर ऐसे होगा। मान लो पार्टिकल इसके रिस्पेक्ट में मीन पोजीशन पे है, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में कहाँ पे? अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे, यहाँ होगा, और फिर वो इस तरीके का मोशन कर रहा होगा। मतलब ग्राउंड ऑब्जर्वर को, किसको? ग्राउंड ऑब्जर्वर को, अगर कोई ग्राउंड से देख रहा है तो इस केस में जो रिजल्टेंट मोशन दिखाई दे रहा होगा वो एक एलिप्टिकल मोशन दिखाई दे रहा होगा, इस केस में एसएचएम नहीं होगा। तो अगर कोई पूछ ले रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बता दो तो देर इज नो सेंस ऑफ इट, क्योंकि एम्पलीट्यूड की अगर हम चर्चा कर रहे होते तो किस में करते? एसएचएम में करते। ठीक, ये था केस नंबर टू। केस नंबर थ्री की भी बात मैं यहीं पर कर लेता हूँ, खत्म करते हैं यहीं। इसके बारे में ज्यादा डिटेल में चर्चा होती नहीं कि जो फेज डिफरेंस है डेल्टा फाई वो आपका 0, 180, 90 या 270 नहीं होता, कुछ और होता। यही केस बचा हुआ है। ठीक, अगर कुछ और होता तो उस केस में कैसा मोशन होता? तो यहाँ पर इसकी मैथ्स में इन्वॉल्व नहीं हो रहा हूँ, बस आपको सीधे बता देता हूँ कि इस केस में भी ये मोशन एलिप्टिकली रहता, लेकिन उसकी जो एक्सिस है ना, मेजर और माइनर एक्सिस जो है वो क्या हो जाती? शिफ्ट हो जाती। क्योंकि तो उस केस में तुम्हें समझ में आ रहा है ये वाली जो इक्वेशन बनती, ये तो बनती ए वन साइन ओमेगा टी, और दूसरी वाली इक्वेशन जो लिखते वो बनती तुम्हारी क्या? ए टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो यहाँ से भी एक्स वन और वाई वन में रिलेशन तो निकाला जा सकता है, लेकिन इस बार जो इक्वेशन है ये इक्वेशन आपकी कुछ इस तरीके की होती है, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये सिमेट्रिकल नहीं होता, लेकिन ये जो मोशन है ये अभी भी क्या होता? एलिप्टिकल होता। इट इज जस्ट लाइक अ इन्फॉर्मेशन फॉर यू, अगर मैथमेटिकली तुम सॉल्व करने जाओगे तो तुम्हें एलिप्स की इक्वेशन दिखाई दे जाएगी, एलिमिनेट वगैरह करके करोगे सॉल्व। अगर एलिप्स पढ़ा हो तो शायद पता भी होगा, नहीं पढ़ा ठीक है बस नोट कर लो इसको। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकल के आया कि उन फोर्सेस के बीच का फेज डिफरेंस 0 या 180 के अलावा कुछ और हुआ तो उस केस में वो एसएचएम नहीं होगा, वो एलिप्टिकल होगा। वो एलिप्स में भी सर्कल हो सकता है अगर A1 और A2 दोनों की वैल्यूज क्या हैं? सेम। हाँ, अगर ये 90 या 270 होगा तो उसमें मेजर और माइनर एक्सिस आपकी एक्स वाई एक्सिस ही हो जाती है। अगर कोई और एंगल हुआ उसके अलावा तो उस केस में आपकी मेजर और माइनर एक्सिस क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। ठीक है, यहाँ एक स्टेटमेंट लिख लीजिएगा लास्ट में, कंक्लूजन फाइनल। याद रखना ये जो भी चर्चा कर रहा हूँ ये चर्चा तब कर रहा हूँ जब वो फोर्सेस जो हैं वो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में लग, अगर ये दोनों फोर्सेस सेम लाइन के अलोंग ही लग रहे होते तो चाहे फेज कुछ भी होता, चाहे फेज कुछ भी होता, इससे पहले जो सवाल किए थे वो वही किए थे। उस केस में तो रिजल्टेंट मोशन हमेशा क्या आता? एसएचएम ही आता। लिखना इफ अ फेज डिफरेंस इज अदर देन 0 और 180, इफ अ फेज डिफरेंस इज अदर देन 0 और 180 देन द पार्टिकल विल परफॉर्म द, देन द पार्टिकल विल परफॉर्म द एलिप्टिकल मोशन, देन द पार्टिकल विल परफॉर्म द एलिप्टिकल मोशन इफ द फोर्सेस आर इन
इफ द फोर्सेस आर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इफ द फोर्सेस आर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, फ्रेम में एलिप्टिकल है उसके फ्रेम में तो बैठ जाओगे, ट्रॉली के फ्रेम में तो SHM ही होगा। नहीं नहीं नो कमेंट ऑन इट। हाँ नॉन सिमेट्रिकल, तो ठीक है भाई ये चैप्टर हुआ इसी के साथ कंप्लीट। मेरी तरफ से तो 11th खत्म, मुझे बस 11th में इतना ही फ्रैक्शन पढ़ाना था, फ्लूइड्स मैं नहीं पढ़ाऊंगा। हाँ वेव्स पढ़ाऊंगा, बिल्कुल मॉडर्न पढ़ाऊंगा। लेकिन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स शायद नहीं पढ़ाऊंगा। चलो नेक्स्ट पेज पे हेडिंग डालो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नहीं तो ठीक है मिसलेनियस प्रोफाइल के क्वेश्चन करो SHM में। चलो आगे बढ़ो, कल कर लूंगा स्टार्ट। ठीक है अभी मिसलेनियस प्रोफाइल करो। डायग्राम देखा तो होगा ही तुमने, ऐसे कई सारे डायग्राम देखे होंगे अलग अलग तरीके से। ठीक है अभी ये मास, इस पार्टिकल को हमने स्लाइटली अलोंग द वाई एक्सिस डिस्प्लेस किया, इसके अलोंग डिस्प्लेस किया, वाई एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेस किया और रिलीज कर दिया। जब इसे रिलीज किया देन इट विल स्टार्ट टू परफॉर्म द SHM अलोंग द वाई एक्सिस। तो आपसे पूछा जा रहा है टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन बता दो, मिसलेनियस क्वेश्चन है। टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन क्या होगा देखना भाई ध्यान से, यहाँ पे गलती क्या होती है वो सुनना ध्यान से। क्या करते हैं हमने पार्टिकल को स्लाइटली किया, डिस्प्लेसमेंट बहुत स्मॉल होता है, हमने इसको y डिस्प्लेस कर दिया। कितने डिस्प्लेस कर दिया, y डिस्प्लेस कर दिया। अब ये वाली कहानी होगी, मुद्दा ये है कि इस स्प्रिंग में जो इलोंगेशन है, नॉट अ इलोंगेशन दैट इज कंप्रेशन, वो कंप्रेशन y का तो नहीं आएगा। पहले ये स्प्रिंग इस तरीके से थी, अब ये स्प्रिंग इस तरीके का हो गया, इसमें जो कंप्रेशन आएगा अगर वो निकालना चाह रहे हो तो मैं कहूंगा यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। क्या ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर। तो दैट विल बी द चेंज इन लेंथ ऑफ अ स्प्रिंग। और अगर तुम ध्यान से देखो टोटल एंगल 120 है तो ये वाला एंगल कितना है 60, तो ये वाला जो चेंज है वो कितना होगा, वो आएगा वाई कॉस 60, तो वो कितना हो जाएगा तुम्हारा y by 2। पहले इस बात को सुन, इस वाली स्प्रिंग में जो इलोंगेशन है ना वो y का आएगा, लेकिन इस स्प्रिंग में या इस स्प्रिंग में जो इलोंगेशन आएगा वो y का नहीं आएगा। इलोंगेशन मतलब मैं यहां बोलना चाह रहा हूँ चेंज इन लेंथ। क्या बोलना चाह रहा हूँ, चेंज इन लेंथ। वो चेंज इन लेंथ जो है वो y का नहीं होगा, वो किसका होगा, y by 2 का होगा। समझ में आया, दोबारा बता देता हूँ देखना ध्यान से। ये कोई लेंथ ऐसे थी, थोड़ा सा डिस्प्लेस किया तुमने स्लाइटली ऐसे, अब तुमने नई वाली लेंथ बना दी है। तो मैं पूछना चाहूं कि एक लेंथ में कितना चेंज है, मैंने कहा जस्ट यहां से क्या ड्रॉ कर दो, एक परपेंडिकुलर। यस और नो, ये बहुत छोटा है, ये क्या बहुत छोटा है, आपको पता है स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये लेंथ और ये लेंथ तो बराबर होगी, सिर्फ यही चेंज है। अगर ये एंगल थीटा है, ये चेंज कितने का आएगा, y cos थीटा का। बस ये कॉन्सेप्ट है जो तुम्हें याद रखना पड़ेगा। याद क्या मतलब, समझ आ गया तो तुम समझ पा रहे। अब इस पे ऊपर की तरफ लगेगा ky, क्या लगेगा ky। इस डर एंगल चेंज तो ज्यादा हुआ ही नहीं होगा, इस एंगल में जो भी चेंज आया होगा बहुत कम होगा, तो ऑलमोस्ट इस एंगल को क्या मान सकता हूँ 60। लेकिन यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो ky नहीं लगेगा, कितना लगेगा ky by 2।
और यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो भी कितना होगा, के वाई बाय टू, और ये एंगल होगा 60 डिग्री। ये मैं क्या कर रहा हूँ, एफबीडी बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ, एफबीडी। तीन स्प्रिंग फोर्स लगाएंगे ना यार, तो इस स्प्रिंग का फोर्स के वाई, और इस वाली स्प्रिंग का फोर्स इधर लगेगा, इस वाली स्प्रिंग का फोर्स इधर लगेगा। अगर तुम यहाँ पे ये ऑब्जर्व करो कि नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो नेट फोर्स देखोगे तो नेट फोर्स तुम्हें दिख रहा है के वाई प्लस टू टाइम्स ऑफ के वाई बाई टू इंटू कॉस 60। नेट फोर्स वाई क्या लॉन्ग आएगा, यहाँ से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन कॉस 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ, और ये हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे अगर y को कॉमन ले लिया जाए तो अंदर बनेगा बेटा कितना, k प्लस के बाई टू इज इक्वल टू m इंटू a। मुझे लगता है कि तुम्हें स्प्रिंग कांस्टेंट समझ में आ गया होगा। स्प्रिंग कांस्टेंट कितना आएगा, 3k बाय 2 इंटू वाई इज इक्वल टू एम ए। क्या समझ में आ रहा है, टाइम पीरियड कितना आएगा, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m बाय k इक्विवेलेंट। व्हाट अबाउट द k इक्विवेलेंट, के इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है, 3k बाय 2। समझ आया क्या किया है? लोग जनरली गलती कहाँ कर जाते हैं वो तुम्हें समझ आ गया होगा। वो कहते हैं ये भी y डिस्प्लेस, ये भी y डिस्प्लेस, ये भी y डिस्प्लेस, तो वो सोचते हैं के वाई के वाई के वाई, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अगला सवाल देखना जरा। तुमने जो भी सवाल सॉल्व किए थे वो आइडियल पुलिस के सॉल्व किए थे, लेकिन अभी यहाँ पर ये पुली आइडियल नहीं है, दिस इज द इनर्शियल पुली, जिसका मास m इस एक्सिस के अबाउट एम वाई आई दिया हुआ है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट की। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से स्लाइडली डिस्प्लेस किया, छोड़ दिया। अब मुद्दा ये है कि इससे पहले क्या होता था कि ये ब्लॉक जो था वो इस तरीके से ऑक्सीलेट करता रहता था, इस डिस्क पे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि जो रस्सी हुआ करती थी वो उस पुली के ऊपर क्या करता था, स्लाइड मारता था। अरे करता था ना भाई, लेकिन तुम्हें समझ आ रहा होगा कि आज ऐसा तो होगा नहीं कि वो स्लाइड मारे, क्योंकि देयर विल बी अ फ्रिक्शन बिटवीन द रोप एंड पुली। तो यहाँ पर ये जो पुली है ना वो इस तरीके से एंगुलर ऐसे चिम कर रहा है। अगर तुम ऑब्जर्व करो तो ये जो पुली है वो इस तरीके से आगे आएगा, फिर ऐसे पीछे जाएगा, आगे आएगा फिर पीछे जाएगा, आगे पीछे आगे पीछे, तो इस तरीके से ये एंगुलर ऐसे चिम कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, लीनियर ऐसे चिम कर रहा है। लेकिन दोनों का टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन क्या होगा, सेम होगा, ये तो हमें देख के समझ आ रहा है। क्या तुम लोगों को ये बात समझ आ रही है? मुद्दा ये है कि आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम क्या होगा इस केस में। ऐसे सवाल तो मैंने कराए हैं जिसमें आइडियल पुली हुआ करती थी, उसमें तो एक्स डिस्प्लेस करके फोर्स लिख लिया करते थे। हाँ भाई सॉल्व करो बेटे, पंचायत करते रहते हो नालायक को, सवाल वाल नहीं चलाते। तो इनको एनर्जी मेथड से सॉल्व करोगे तो जल्दी हो जाएंगे, एनर्जी मेथड से जल्दी अप्रोच करना आसान है। फोर्स एनालिसिस से कर सकते हो, लेकिन इक्वेशन ज्यादा बनानी पड़ेगी, क्योंकि अभी दोनों तरफ टेंशन की वैल्यू सेम नहीं होगी, तो टॉर्क एनालिसिस भी करना पड़ेगा, फिर उसके बाद एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में बेस्ट मेथड जो है दैट शुड बी द एनर्जी मेथड। आपने इसको एक्स डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, मैं यहाँ पे टोटल एनर्जी लिखूंगा। अब ये देख लो, ब्लॉक को एक्स डिस्प्लेस किया तो स्प्रिंग में एलोंगेशन भी एक्स का ही आएगा ना, ये जरूर देख लिया करो। तो यहाँ तो ऑब्वियस सी बात है, ब्लॉक स्प्रिंग से डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो जितना ब्लॉक जाएगा उतना स्प्रिंग मूव करेगा, तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी सिंपली क्या हो जाएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। लेकिन जब हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम लिखेंगे तो उसमें आज तक ब्लॉक की आती थी, लेकिन आज ब्लॉक के साथ किसकी आएगी, इस गिवन पुली की भी आएगी। तो यहाँ पे जब आप काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो ब्लॉक की लिखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर, और यहाँ पर इस डिस्क का भी आएगा, दैट इज व्हाट, हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, लेकिन ओमेगा की वैल्यू क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और बराबर ये है टोटल मैकेनिकल एनर्जी। ये क्या जनाब, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। आगे का अगला स्टेप क्या है वो तुम्हें समझ आ रहा होगा, इस गिवन एक्सप्रेशन को आपको क्या करना होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो के बाई टू, 2x का डिफरेंस, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 2x प्लस, यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि b स्क्वायर को कॉमन ले लो या v स्क्वायर बाय 2 को कॉमन ले लो, v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2v इनटू dv बाय dx, और 2 कॉमन ले लिया।
अंदर क्या बचेगा, एम प्लस आई बाय आर स्क्वायर, और ये कांस्टेंट है जिसका डेरिवेटिव क्या हो गया, जीरो। जरा ऑब्जर्व करना ये क्या लिखा हुआ, ये एक्सेलरेशन लिखा, टू से टू क्या हो गया कैंसिल आउट, टू से टू क्या हो गया कैंसिल आउट। क्या लग रहा है गरीब भाई बंधु को, समझ आ रहा है क्या? तो यहाँ पे तुम्हें शायद समझ आ गया हो कि तुम्हारा एक्सेलरेशन ऑलरेडी एक्स प्रोपोर्शनल आ चुका है, क्योंकि इस टर्म को वहां पे अगर ट्रांसफर करोगे तो यहाँ पे ये टर्म बन गया माइनस के एक्स बराबर एक्सेलरेशन के साथ जो टर्म आ रहा है वो तो कितना आ रहा है, एम प्लस आई बाय आर स्क्वायर। ये एडिशनल टर्म और जुड़ गया आई बाय आर स्क्वायर। तो यहां से तुम्हारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी माइनस के बाय एम प्लस आई बाय आर स्क्वायर इंटू एक्स, और ये जो टर्म लिखा हुआ है ये वाला टर्म दैट इज व्हाट ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा इज स्क्वायर रूट ऑफ के बाय एम प्लस आई बाय आर स्क्वायर। अगर ओमेगा पता है तो बेटा टाइम पीरियड पता है, मैं आई की वैल्यू जीरो होती थी इसलिए तुम ऑब्जर्व कर पा रहे होगे कि वहां पे जो टर्म आता था ओमेगा स्क्वायर वो सिंपली क्या आता था के बाय एम, लेकिन आज आई भी है तो यहाँ पे वैल्यू आ गई आई बाय आर स्क्वायर, एडिशनल टर्म ऐड हो गई। देखो एक सिलेंड्रिकल कंटेनर, इसमें एक लिक्विड फिल है जिसकी डेंसिटी है रो, और इसका ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये एरिया 2a दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 2a। हमारे पास यहाँ पर एक सिलेंडर है, इसका एरिया तो है ना वो a, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है a, ठीक। और इसकी जो डेंसिटी है सिलेंडर की डेंसिटी वो हाफ दी हुई है रो बाई टू। ऐसे सवाल सॉल्व तो किए होंगे लेकिन ये सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है, अभी थोड़ी देर में समझ आएगा कैसे। ये समझ आ रहा है कि इस समय फ्लोट कर रहा होगा क्योंकि इसकी डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी का क्या है, हाफ है, अभी कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब ये फ्लोट कर रहा था उसी मोमेंट पर इसे हमने स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया। क्या कर दिया, स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया इस डायरेक्शन में और रिलीज किया, इट विल स्टार्ट टू परफॉर्म द SHM। तो मुद्दा ये है कि बताओ टाइम पीरियड ऑफ SHM क्या होगा। एक्चुअल में इस सवाल में खास क्या है कि ये जो सिलेंडर है ये बड़ा वाला जिसके अंदर ये सबमर्ज है उसका एरिया भी फाइनाइट है, तो क्या होगा कि जब तुम इसे नीचे के डायरेक्शन में डिस्प्लेस करोगे ना, ये तो ठीक है ये तो होगा ही होगा, लेकिन यहां से लेवल ऑफ वाटर ऊपर भी तो जाएगा, ये वाला हम कंसिडर नहीं करते थे एक्चुअली में। तो मान लिया कि यहाँ पे लेवल ऑफ वाटर कितना ऊपर गया वाई, तो हम ये कह सकते हैं जितना एक्स्ट्रा वाटर यहाँ से डिस्प्लेस हुआ है वो यहाँ आ गया होगा, और यहाँ से एक्स्ट्रा कितना वाटर डिस्प्लेस हुआ होगा उसके वॉल्यूम की बात करूं तो कितना होगा ए इंटू एक्स, और वो इस एरिया में आ गया। इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका वॉल्यूम होगा टू ए माइनस ए, ये समझ आ रहा है, इंटू वाई। तो देख के समझ आ रहा है वाई बराबर क्या है एक्स। तो बाइंड फोर्स में हम आज तक सिर्फ इसी को कंसिडर करते हुए आए हैं, लेकिन अभी बाइंड फोर्स में ये भी आएगा और ये भी आएगा, क्योंकि एडिशनल बाइंड फोर्स क्या होता है, वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, अरे समझ पा रहे हो। तो यहां पर ये वाला भी तो ऊपर आ गया ना इतना एक्स्ट्रा, जो कि आज तक हम निग्लेक्ट कर देते थे, क्योंकि अगर समुन्द्र में रखा हुआ तो क्या फर्क पड़ेगा थोड़ा सा डिस्प्लेस करने पर, लेकिन आज जिस कंटेनर के अंदर रखा हुआ है उसका एरिया एक फाइनाइट वैल्यू है जो कि इसके एरिया के कंपेरेबल है, दैट इज जस्ट डबल। जब तुम बाइंड फोर्स लिखोगे ना तो बाइंड फोर्स में ये भी आएगा और ये भी आएगा, तो नेट बाइंड फोर्स जब लिखोगे तो ax ही नहीं आएगा, कितना आएगा 2a into x, this is a volume, this is a total volume that will be displaced। समझ आया 2 क्यों कर रहा हूं, मल्टीप्लाइड बाय व्हाट g, एक मिनट रो का मल्टीप्लाई करना भूल गया, इंटू रो इंटू g, दिस इज एडिशनल वाटर, और ये बराबर करोगे किसके, रो बाय टू इंटू ए इंटू एच, दिस इज द मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, एच हाइट मान लेना है। मुझे लगता है आगे समझ में आ चुका होगा,
इसमें ये एडिशनल टू का फैक्टर आया, इसलिए ये सवाल इम्पोर्टेंट है। ये टू क्यों आया कौन एक्सप्लेन करेगा? अरे लेवल जो पानी का यहाँ से कम हुआ है वो ऊपर भी तो जाएगा क्या? हाँ भाई टू ए ही तो लिखा है, ये टू ए क्यों होगा? ये किसका एरिया आएगा? इस वाले सिलेंडर का आएगा ना जो ऐसे चिमक रहा है, ये तो फिक्स ही है। आगे सॉल्व कर लोगे? ठीक है, थैंक यू सो मच। ओ ई वन में ऑल रिमेनिंग क्वेश्चंस कंप्लीट, ओ ई टू में ऑल रिमेनिंग क्वेश्चंस कंप्लीट, पूरी शीट निपट जानी चाहिए कल तक। एस ई वन कंप्लीट, जो बचा हो जहां पर, और जे एडवांस कंप्लीट, पूरी शीट कंप्लीट चाहिए एक्सेप्ट एस ई टू। क्या लगता है हो पाएगा? एक एक क्वेश्चन बाइंड अप, ठीक है? नहीं एक काम करो, रुक जा, जे एडवांस छोड़ो, अभी तो एक ईएलपी भी बची हुई है ना, तो कल शीट में जे एडवांस नहीं करनी, उसकी जगह क्या करनी है? ईएलपी करनी, ईएलपी थ्री, मतलब जो भी नेक्स्ट ईएलपी है, थर्ड ईएलपी है ना एसएचएम की, कौन सी है वो ईएलपी? 36 है, 36 ईएलपी। क्या लगता है इतना कंप्लीट हो पाएगा?